सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज नया कथा में नया कथा मतलब है ये जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत है। प्रभुपाद का ये उपदेशामृत है मतलब है भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर प्रभुपाद को अलग अलग उन लोगों ने प्रश्न किया। कहते प्रभुपाद को ने गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे। कहते प्रभुपाद राधा रानी की नयन मणि मंडल, नयन मतलब होते आंखें हैं, मणि मतलब उसका जो पुतला है। राधा जी की जो आंख की जो पुतला है ये श्री प्रभुपाद है। इसलिए राधा रानी कौन है? कहते वैदग्ध सिंधु रनुराधिक सिंधु बात्सल सिंधु रतिशांद्र कृपाई सिंधु श्री राधि के स्फुरत में रसतेल सिंधु। कहते राधा रानी हो थे कौन? जैसा सात समुद्र सुनते हैं, जैसे इकु समुद्र है, लवण समुद्र है, जैसे घी का समुद्र है, हनी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, जैसे सारे समुद्र सात समुद्र है। कहते राधा जी के अंदर में ये सारे समुद्र विद्यमान। राधा रानी कौन? बोले कृपा एक सिंधु। राधा रानी कहते कृपा की ये समुद्र है, रस की समुद्र है, प्रेम की समुद्र है, भक्ति की समुद्र है, बात्सल्य की समुद्र है, विदग्ध की समुद्र है। इसलिए सबका जो समुद्र श्री राधा रानी, इसलिए राधा रानी की जो कृपा ही है कितना शुभ दृष्टि तर प्रभु जगत रे प्रति। कहते राधा जी की जो शुभ दृष्टि, राधा रानी कहती है क्या, प्रभुपाद कहते हैं क्या? तो एक वैष्णव ने बताया राधा रानी इनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है? जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करते हैं, कृष्ण को जो राधिका। दूसरा अर्थ क्या है? बोले कृष्णम समाराधयती, संपूर्ण रूप में जो कृष्ण सेवा में ही जो लगी रहती हैं, आराधना करती हैं कृष्ण को, कहते हैं ये श्री राधा रानी। तो ये प्रभुपाद कौन है? राधा जी के नयन मणि मंदिर। नयन को द्वारा हम क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कौन है? राधा रानी जो कृष्ण का माधुर्य को आस्वादन करती है। राधा रानी जो कृष्ण माधुर्य की, कृष्ण सुंदरता की, कृष्ण की रस को आंखों के द्वारा ही हम दर्शन करते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं। इसलिए मानो प्रभुपाद जी क्या करते हैं? बोले जो कृष्ण माधुर्य को राधा रानी को पान कराती, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं। प्रभुपाद कौन है? राधा रानी की आंख नयन है। राधा रानी क्या करती हो? नयन से कृष्ण को दर्शन करती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप बोले कृष्ण माधुर्य को राधा रानी को जो आस्वादन करती कराती है, ये कौन है? श्री प्रभुपाद है। इसलिए प्रभुपाद जब वो निकुंज सेवा में वृंदावन में राधा रानी की सेवा में जब नियुक्त थी, कहती ये सब सखी मंजरिया कौन है? कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी एव निज रूप कला। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो मंजरी सखियां और कोई नहीं, जब राधा रानी ने देखा मैं अकेला कृष्ण को कितने सेवा करूंगा, इसलिए राधा रानी एक एक भाव को ही एक एक मूर्ति रूप में अलग अलग रूप में प्रकाशित किया, अलग अलग रूप में प्रकाशित किया। इसलिए कहते ये प्रभुपाद कौन है? कहते ये राधा रानी की एक भाव है जो अनंत रूप में राधा रानी जो सेवा करती है, वो आनंद जो चिन्मय रस की एक मूर्तिमान श्री प्रभुपाद। जब ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में नियुक्त थे, तब राधा रानी कहती है नयन मणि मंजरी है, मतलब राधा रानी की जो कृपा है, कहते हुई कृपा ही जाओ जगत में देखो,
जीवों का दुर्दशा को देखो, जीव कितने संसार में दुखों में कृपा है, जाओ उनको उद्धार करके ले। तब राधा रानी की जो नयन मणि मंजरी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रूप में आए, इसलिए इन्होंने हम लोगों को जो उपदेश दिया है, अगर इन उपदेशों का अपना जीवन में पालन करेंगे तो क्या होगा, एक दिन हम बैक टू गॉडहेड, एक दिन हम लोग भगवान के पास में हम लोग जा सकते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथ है इसको जो पालन करेगा ये क्या करेगा, सीधा भगवान का धाम में अपना घर में वापस जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन में हम वापस जा सकते हैं, अगर ये ग्रंथों को कोई सुनेगा पड़ेगा, समझ रहे हो। He can sit them close to her. I can hear. So there, sitting a little close. इसलिए आज हम अलग अलग समय पर भक्तों ने उनको जो प्रश्न किया है आज कोशिश करेंगे दो एक क्वेश्चन और आंसर को सुनने के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ तो पढ़े तो लोगों समझ। इसलिए एक प्रश्न है, शरणागतेर मंगल की हाईवे, इसका मतलब है प्रभुपाद किसी ने प्रश्न किया, अगर कोई भगवान के चरण में शरणागत होते हैं क्या उसको मंगल होगा, क्या उसको मंगल होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं निश्चय हवे, ये बंगला में निश्चित रूप में जरूर भगवान के चरण में जो शरणागत होंगे उनका तो जरूर कल्याण कल्याण होगा ही ठाकुर का चरण। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वरदान सिखाए शरण गति भक्ति प्राण। भक्तिमान ठाकुर कहते महाप्रभु जीवों को में कृपा करके जी जगत में आए हैं, कहते दुर्लभ प्रेम वो जो ब्रज प्रेम है राधा जी की जो सेवा है उसको देने के लिए श्री महाप्रभु ने क्या सिखाए, बोले सिखाए शरणागति भगत रेत्रा, उन्होंने जीवों को शरणागति सिखाया है। कहते ये शरणागति किया, बोले भगत रे प्राण, कहते भक्तों का ये प्राण ही ये शरणागति। शरणागति कितना तरह का है बोलो, कितना तरह का, कितना तरह का, छह तरह का है, ये छह तरह का शरणागति। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं ठाकुर जी किसकी प्रार्थना सुनते हैं, ठाकुर जी किसकी प्रार्थना सुनते हैं, बोले सरंग शरणागति हाई वे जहार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। ये छह शरणागति अपना जीवन में जो आचरण कर लिया ना, आप ठाकुर को जो बोलेंगे ना, ठाकुर जी को जो बोलेंगे ठाकुर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। अभी हमारी प्रार्थना कृष्ण क्यों नहीं सुन रहे हैं, चूंकि हमारे अंदर में ये शरणागति नहीं है, जब शरणागति हो जाएगा बस ठाकुर हमारी बात को सुनने लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप में वो व्यक्ति का कल्याण होगा ही जो अपना जीवन में शरणागति को आचरण करे। कहते जय मूर्त अमरा शरणागत सही मूर्त ही मंगल अमादर करायत, प्रभुपाद कहते हैं जिस समय हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए ना, हैं शरणागत हो गए उसी समय जो मंगल है हमारे हाथ की मुट्ठी में, हमारे हाथ की मुट्ठी में मंगल आ जाएगा, हैं मतलब जरूर तुम्हारी मंगल होगा ही, मंगल होगा ही। किंतु मूल मालिक के ऊपर निर्भर कर ले मंगल, बोले कृष्ण कौन है, कहते मूल मालिक है कृष्ण, ये कोई साधारण नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण कति विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, कहते यद्यपि समाधि सुविधि पश्यति न तव नखराग्र मरीचि, हैं इसलिए विश्व ब्रह्मांड का जो लाल न पालन करने वाले कृष्ण कृष्ण ही है,
इसलिए जिनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जिनकी कृपा के बगैर। इसलिए दुनिया का मालिक तो कृष्ण ही है। अगर कोई भगवान के चरण में कोई शरणागत हो तो उसका कल्याण नहीं होगा, जरूर उसका कल्याण होगा ही। मूल मालिक के ऊपर निर्भर कर ले मंगल ही हमारा। जे जतटा जतखण शरणागत से ततटाई ततखण अमंगल आलिंगन होते रहे छे। तो प्रभुपाद कहते हैं जो जितने ठाकुर जी के चरण में शरणागत है, जो जितने ठाकुर जी के चरण में शरणागत है से ततटाई ततखण अमंगल के आलिंगन करे रहे छे। इसलिए जो जितना शरणागत हो उतना ही जगत का जितने अमंगल है, जगत में जितना अमंगल वो उतना ही अमंगल से वो दूर रह सकता है, दूर रह सकता है। कृष्ण अमादिग के जगत क्लेश दिते आने नाही। यहाँ पर कह रहे हैं हम जो इसी जगत में आए हैं किसलिए आए। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कभी हमारे अमंगल कभी सोच नहीं सकते। क्यों? भगवान हमारे पिता है, इसलिए तुमैव माता च पिता, तुमैव बंधुश्च सखा, तुमैव विद्याम द्रविण, तुमैव सर्वम। कृष्ण ही हमारे पिता, वही माता, वही बंधु, वही भाई, कृष्ण हमारे सब कुछ कृष्ण ही है। इसलिए इस जगत में कभी पिता माता बच्चों का दुख देकर दुखी होते हैं और बच्चों का सुख देकर पिता माता सुखी होते हैं। इसलिए हम उनके बच्चे हैं। कभी भी भगवान हमारे अमंगल कभी सोच नहीं सकते हैं। इसलिए फिर जगत में ये दुख कष्ट फिर क्यों आए? फिर हम संसार में दुख कष्ट क्यों उठा रहे? कारण क्या? बोले कारण है हम लोग ने भगवान की शरणागत को छोड़ दिया है। हम किसकी शरणागत है? पैसा की शरणागत है, पति का शरणागत है, अपना पति पत्नी की शरणागत है, पिता की शरणागत है, माँ की शरणागत है। लेकिन जिसको शरणागत होनी चाहिए, जिसके चरण में शरणागत होनी चाहिए, उसका ही शरणागत नहीं, दुनिया की शरणागत नहीं पड़ेगी। शायद अमुक व्यक्ति रक्षा करेगा, अमुक व्यक्ति रक्षा करेगा, अमुक रक्षा करेगा, लेकिन जो रक्षा करने वाले उसके चरण में हम शरणागत नहीं। शायद मैंने पहले सुनाया था कि द्रौपदी उत्तरा को कह रहे हैं। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कौन कह रहे हैं? द्रौपदी। देख पुत्र वधु, अगर किसी के चरण में शरणागत होना है ना, केवल कृष्ण चरण में, केवल कृष्ण चरण में ही शरणागत हो। बोले कहते क्यों? कहते ये मेरी अनुभूति है। कहते ये मेरी अनुभूति। बोले आपका क्या अनुभूति है? कहते मेरी ये अनुभूति, पहले मैं बहुत अभिमान करती थी, मेरे पांच पांच पति, हम लोगों का एक पति, एक पति हो तभी आप एक पति जरूर हमें रखा करेगा। लेकिन जिसका पति पांच पांच पति जिनकी, और साधारण व्यक्ति नहीं। कहते श्री अर्जुन कौन था? पृथ्वी में सबसे बड़े धनुर्विद्या, उनके जैसे जगत में धनुर्विद्या कोई नहीं जानता है। भीम कौन था? बोले सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, इनकी बराबर जगत में गदा युद्ध में कोई था नहीं। बोले युधिष्ठिर कौन थे? बोले सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में, भाला युद्ध में। कहते नकुल सहदेव कौन थे? बोले तलवार युद्ध में, ये तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे। इतने पृथ्वी में सबसे बड़े योद्धा थे। इसलिए द्रौपदी जिसका एक पति अगर कोई बड़ा पोस्ट में हो ना, बढ़िया काम करे, उसका बड़ा कितना अभिमान, पत्नी जब मुझे ऐड कर गया, हमारे पति अमुक व्यक्ति हैं, सोचते हैं हमारे पति अमुक व्यक्ति, कोई अगर दिक्कत आएगा तो पति हमारी साथ में। लेकिन जिसका पति पांच पांच पति हो, पांच पांच जिनके पति, और उसी समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या गदा युद्ध में तलवार युद्ध में, जस तो कितना अभिमान नहीं होगा बताओ, कितना अभिमान नहीं होगा। कहते मेरे मन में बड़ी अभिमान थी, मेरे पांच पांच पति मेरी रक्षा करेंगे, जगत में मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब श्री युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते 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 हार गए, जुआ खेलते खेलते उन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और उन्हें हार गए। इतने में
दुर्योधन ने दुशासन को बोले दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं हमारी दासी है, जा उसको पकड़ करके भरी सभा में ले आ। उसी समय द्रौपदी रजस्थला अवस्था में, उसी समय दुशासन जाकर की उसको चोटी पकड़ करके, ऐसे नहीं किसी स्त्री की चोटी पकड़ कर घिसड़ घिसड़ कर ले आना भरी सभा में, कितना बड़ा अपमान है, है? कितने बड़ा अपमान है। और वहां पर द्रौपदी के पांच पांच पति बैठे हुए और वो आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे पति लोग, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे पति लोग, लेकिन सब चुप, कोई कुछ बोल नहीं रहे। अरे भरी सभा में उनकी पत्नी की बेइज्जती हो रही है, वस्त्र हरण हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे। फिर सोच रही थी यहाँ पर मेरे गुरु वर्ग बैठे हुए पितामह भीष्म, अगर एक बोली बोल दे ना, एक बोली बोल दे, वहां पर उनकी हिम्मत नहीं उनका बोली को काटने के लिए। और वहां पर उनकी धृतराष्ट्र बैठे हुए, पिताजी बैठे हुए, उनकी कुल गुरु बैठे हुए हैं कृपाचार्य, और वहां पर श्री कहते श्री द्रोणाचार्य बैठे हुए जो अस्त्र विद्या की शिक्षा थी, सबके सब वहां पर गुरु वर्ग बैठे हुए, पिता पितामह सबके सब उनके तरफ में भी आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी, हैं फाड़ फाड़ कर देख रही थी, ये तो कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोल नहीं। द्रौपदी ने जब देखा कोई कुछ बोल नहीं रहे, भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो रही है, इतने में खुद अपना कपड़े को कोशिश की पकड़ने के लिए, अपना इज्जत और रक्षा करने के लिए कपड़े को कोशिश की, लेकिन वो रख नहीं पा रही थी। फिर दांत को नीचे दबा करके कपड़े को कोशिश की अपना इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन दांत का नीचे भी नहीं रख पाया। क्यों? दुशासन 10,000 हाथी का ताकत, वो खींच रहा था वस्त्र को, इतने में जब किसी ने भी रक्षा नहीं किया, फिर दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, हाँ दोनों हाथ, हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरि गोविंद, अभी तेरे सिवाय जगत में हमें कोई भी बचाने वाले नहीं है। मैं बड़ी डी घाग रही थी, बड़ी अभिमान कर रही थी, लेकिन जगत में कोई अगर कोई बचाने वाले हो तो केवल तू ही हो, जो दोनों हाथ उठाए तो कृष्णा वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। इसलिए 10,000 हाथी की ताकत साड़ी खेचते पहाड़ के पहाड़ जैसी साड़ी बनकर जा रही थी, पहाड़ के पहाड़, लेकिन 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रही थी ये साड़ी का बीच में कोई नारी ना, नारी स्वयं साड़ी बन गई, नारी साड़ी बन गई ना, साड़ी को बीच में कोई नारी है, सारा दुनिया देख रहे थे। और लास्ट में दुशासन बस खेचते 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 लास्ट में, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो शरणागत है भगवान के चरण में, जो शरणागत हो जाते हैं ना, भगवान संपूर्ण रूप में उसका दायित्व को ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जन बालक राखे मेहतारी, रामचरितमानस में उदाहरण दिया जन बालक राखे मेहतारी, मेहतारी मतलब होता है माँ, मेहतारी का एक अर्थ होता है क्या, जो रोड साफ करती है ना, जो नाली को साफ करती है, जो पायखाना साफ करती है, बारिश में जो पायखाना नाली साफ करती है उसको कहते हैं मेहतारी, उसको मेहतारी कहती है। कहते जैसे एक माँ अगर जब बच्चा टाटी पेशाब कर देता है उसको कौन साफ करती है, कौन साफ करती है, माँ साफ करती है। अगर पिताजी गोद में टाटी पेशाब करता है पिता क्या कर जाओ भैया तू ले साफ कर दे, इसलिए वो मैया को दे देती है। इसलिए उदाहरण देते हैं जैसे एक बालक को एक माँ रक्षा करती है, जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे दो बच्चे हैं, क्या ये दो बच्चे अपना खाने के लिए कोई नौकरी करते हैं, क्या सोचते हैं हमको खाना बढ़िया है, हमको कहीं काम करना पड़ेगा, देखो ना बच्चे मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई खाने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं करते हैं। बोले क्यों चिंता नहीं करते, कारण है
वो शरणागति अपना पिता माता को प्रति उनकी शरणागति, इसलिए उनको पता है भले माँ स्वयं नहीं खाएगी लेकिन पहले बच्चे को खिलाएगी, पहले वो बच्चे को खिला करके माँ खाएगी। जैसे बच्चा दिन भर खेलते खेलते कूदते कूदते सो गया, अभी खाने का समय आ गया, मैया ने खाना बनाया, हाँ मैया ने खाना बनाई, क्या करेगी? जब तक वो बच्चे को उठा करके नहीं खिला देती ना, माँ की मुंह में खाना नहीं जाएगी। अगर कोई बोले अरे जरूरत नहीं बच्चा नहीं खाए तू खा लेना, मैया क्या कर लेना है? जब तक बच्चे को नहीं खिलाएगी माँ उस समय तक कभी बच्चा कभी माँ खा ही नहीं सकती, बच्चे को खिला करके ही खाएगी। फिर जैसे एक बालक पिता माता के चरण में शरणागत है, बालक एक पिता माता के चरण में शरणागत है, जैसे माँ हर समय आप देखना जो छोटा बच्चा हो बच्चा को पालने की होगी, जैसे तुम्हारे छोटा बच्चा तुम यहाँ पर बैठे हो बच्चा खेल रहा है लेकिन बैठे तो कोई काम कर रहे हो लेकिन उसका नजर कहाँ रहती है? बच्चे को बच्चे का बटन लग गया, कोई गिर कर नहीं गया, कोई कोई चीज में हाथ नहीं लगा दिया कहीं इधर उधर ना, इसका यहाँ पर काम कर रहे लेकिन उसका जो नजर है ना कहाँ पर नजर रहता है? बच्चे को नजर रहता है हर क्षण में, बच्चे गिर नहीं गया, कोई उल्टा सीधा नहीं हो गया, कोई फेंक नहीं दिया, भैया एकदम मैया की नजर वहीं पर रहती है। उसी तरह क्योंकि जो बच्चा है वो शरणागति पिता माता के ऊपर है, उसी तरह जब हम भगवान के चरण में शरणागति हो गए ना, ठाकुर जी का जो नजर है ना हर समय भक्त ठाकुर हर समय देखते रहते हैं, अरे भक्त कभी गिर नहीं गया, भक्त तो खाना तो नहीं खा गया, भक्त तो कहीं हाँ कहीं तो उसके ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं आ गया। हाँ जैसे श्री अम्बरीश महाराज, ये अम्बरीश महाराज ठाकुर जी के चरण में शरण जाते हैं, दुर्वासा जी ने एक राक्षस को अपना जटा को फटक दिया, एक राक्षस प्रकट हो गया, बोले अम्बरीश महाराज खत्म कर दो, लेकिन जब चक्र गया जब वो कृत्या गया चक्र झट प्रकट हो गया, झट चक्र प्रकट हो करके उसको मार डाले, मारे तो फिर दुर्वासा को पीछे उन्होंने दुर्वासा को पीछे भागे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे, जो जितना ठाकुर जी के चरण में शरणागत है प्रभुपाद कहते हैं वो उतना ही अमंगल हाथ से बचेगा, हाँ? और जो ठाकुर के चरण में शरणागत नहीं, अरे रक्षा करने वाले हैं पैसा में कमा रहे हैं, मेरे पास में पैसा है, ठीक है ठाकुर देखेंगे नहीं देखे तो मेरे पास में पैसा है ना, ये पैसा मेरा क्या करेगा, हमारे पास में परिवार है, बंधु भाई परिवार है, कोई दिक्कत होगा ये हमें रक्षा करेंगे, ठीक है ठाकुर को बुला रहे ठाकुर आएंगे आएंगे नहीं आएंगे नहीं कोई बात नहीं। इसलिए जब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछे बोले कृष्ण ये बताओ जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, जब दुशासन वस्त्र हमें कर रहा था, मैं तुम्हें बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों लगा है? कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम झूठ मत कहा करो, सच सच बताओ करो, तुम क्या दिल से मेरे को पुकार रही थी? बोले प्रभु दिल से नहीं पुकार रही थी, पर कैसे पुकार रही थी? हाँ दिल से तो तुम्हें पुकार रही थी। बोले द्रौपदी सही सही बताओ, जब तेरे पास में दुशासन ने गया हाँ तुमको लेने के लिए, तू क्या सोच रही थी? है मेरे पांच पांच पति की हिजड़ा क्या कर लेगा, हाँ ये मेरा क्या कर लेगा, तू सोच रही थी कि नहीं? हाँ प्रभु मैं तो सोच रही थी, सोच रही थी द्रौपदी मैंने आधा रास्ता तक तो आया था तेरे को बचाने के लिए, फिर आधा रास्ता से मैंने वापस चला गया, जब तुम्हारे पांच पांच पति तुम्हें रक्षा करने वाले है फिर मैं ये बीच में क्यों आता, इसलिए मैं चला गया। बोला द्रौपदी और थोड़ी सी पास में भी आया था तेरे को रक्षा करने के लिए लेकिन फिर गया। बोले फिर तुम क्यों गए, जब तुम्हारी पांच पांच पतियों ने रक्षा नहीं की, जब तुमको पकड़ करके ले आए भरी सभा में, तो क्या कर रही थी? अपना गुरु वर्गो को तरफ में देख रही थी, ये लोग तो कुछ बोलेंगे ये लोग तो कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, रक्षा नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने देखा जब इतने सारे लोग तेरे को रक्षा करने वाले घर में क्यों आता, फिर वहां से वापस गया। बोले एकदम तेरे पास में भी आया था रक्षा करने के लिए तभी मैंने वापस गया। बोले फिर क्यों गए? बोले जब देखा कोई भी तुमको रक्षा नहीं कर रहे थे तो अपना साड़ी को पकड़ कर रखी, साड़ी पकड़ करके दांत को नीचे दबा कर रखी थी,
अरे मैं साधारण घर की थोड़ी बेटी हूँ, राज घराने की बहू, अजोनि संभवा यज्ञ से प्रकट हुई, मैं साधारण थोड़ी हूँ। इसलिए तुम अपना हाथ को हाथ में साड़ी को पकड़ करके दांत को नीचे दबा करके तुम बैठी हुई थी। बोले द्रौपदी जब तुम तेरे को रक्षा कर सकते फिर मैं क्यों आता। लेकिन जब देखा ये कोई भी तुम्हें रक्षा नहीं कर रहे, तूने पहले पूरा जी जान लगा दी, जब देखा कोई भी तुमको रक्षा नहीं कर रहे हैं, जब तुमने ऊपर हाथ उठाया, हाथ उठाना मतलब ठाकुर जी तेरे सिवाय मेरे को जगत में कोई बचाने वाले नहीं, इसलिए हम दोनों हाथ उठाते ना निकाय गौर विमनंदे हरि हरि। दोनों हाथ क्यों उठाते, हाथ ऐसे क्यों करते हैं? ठाकुर जी ले, ठाकुर जी तेरे सिवाय और हमें कोई बचाने वाले दुनिया में कोई नहीं। जब फिर तुमने बुलाई फिर मैं सारे रूप में प्रकट हो गया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो जितना शरणागत है ठाकुर जी के ऊपर में ना, कहते उतना ही जीवन में मंगल को लाभ करता है, उतना अमंगल से वो दूर रहता है, उतना वो अमंगल से वो दूर रहता है। मैं नहीं ठाकुर जी की चरण में शरणागत होनी चाहिए। शरणागत व्यक्ति को भगवान हर समय रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं हमारा स्वतंत्रता अपव्यवहार कर निजे कर्तित्व निज अमंगल क्लेश वर्ण कर जी। जगत में दुख कष्ट का कारण यही है। बोले क्या है? कहते हम स्वतंत्रता को अव्यवहार किया है, अपना जो इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता को, इसको कहाँ लगानी चाहिए? ठाकुर जी की सेवा में लगानी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए। लेकिन उसकी सेवा में नहीं लगा करके हम कहाँ पर लगाए? हम माया में लगाए, माया में। ठाकुर की सेवा को हमने छोड़ दिया, माया में लगाए। इसलिए जगत में जितने दुख कष्ट हो गए सारे दुख कष्ट का कारण है। इसे कार मंगलमयी वाणी ते श्रद्धा होइले ही हमारे कर्त अभिमान चिरतरे विदृत है। भगवान का जो वाणी है क्या है? भगवान की वाणी मंगलमयी, भगवान जो कुछ बोलते हो, क्योंकि हमारी पिता माता है, बच्चों का कल्याण है, सुनो सोचे नहीं, उनका वाणी मंगलमयी। इसलिए निज कर्तित श्रद्धा होइले ही, जब उसकी वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा होगा तो भगवान का क्या, भगवान क्या कहते हैं? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तो सब छोड़ करके मेरे शरण में, मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा? बोले नहीं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, एकांत रूप में केवल मेरे शरण में आ जाओ। इसलिए गुरु जी कहते थे जब कोई व्यक्ति सारे धर्म को छोड़ करके, संसार का सारी कर्तव्य को छोड़ करके जब कोई ठाकुर की शरण में आ जाते हैं, भगवान ने 36 करोड़ जानते हैं ना, 36 करोड़ उन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मणों को नियुक्त करके रखे। जब कोई व्यक्ति मेरे भजन के लिए आ जाएगा, उसको पीछे जो कर्तव्य है, उसका जो पीछे कर्तव्य रह जाएगा, वो कर्तव्य को तुम लोग खुश करना, क्योंकि वो तो मेरे भक्ति में आ गया, मेरी भक्ति में आ जाएगा, फिर उसका पीछे कर्तव्य को कौन पूरी करेगा? तुम लोग 36 करोड़ ये जितने ब्राह्मण इस सारे काम को पूरी करते हैं। हाँ, इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मन मना भव, मन को और किसी को मत दिया करो, मत भक्त भव। भक्त बनना तो किसकी भक्त बनना? केवल तो मेरा ही भक्त बनो, माँ जाजी। पूजा करना तो किसका पूजा करना? मेरे की पूजा करना, माँ नमस्कुरु। प्रणाम करना तो किसको प्रणाम करना? मुझे। सब कुछ मेरे लिए करो, हैं? सब कुछ मेरे लिए करो तो माम यशस्वी सत्यम प्रतिजानी प्रिय। इसलिए क्या होगा? मेरे को प्राप्त करोगे, मेरे को प्राप्त करोगे, मेरे को प्राप्त करोगे तो जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए उद्धार हो जाएगा। इसलिए मन मना भव। इसलिए विश्वनाथ टीका में कहते हैं कि मन मना भव मतलब मन को क्या करो? मत मना, मन को भी मुझे दिखाओ। भगवान कैसे हैं? बोले श्यामम हिरण्य परिधि वर्णमालवरः। भगवान कैसे हैं? बोले नव मिटत अभ्र वपुषे तड़ितम वराय। भगवान कैसे? वराह पीड़म नटवर बपु
कर्णयो कर्णिका भगवान बड़े सुंदर बड़े प्यारे ठाकुर जी अद्भुत सुंदर है हैं मतलब क्या चाल साल अलवेली है गजराज चले मस्त मस्त भगवान देव चलते हैं क्या मस्ती से चलते जो हाथी जैसे चलते हैं हैं इसलिए भगवान की चाल बड़े सुंदर ठाकुर का आंखें बड़े सुंदर कपल है कृष्ण बड़े मीठे मीठे सुंदर सुंदर बंसरी बजाते हैं गले में सुंदर उनकी माला है काने में कनियर फूल है सर पर मयूर पंख है इसलिए कृष्ण का मत मना भव मन किसको दो मन और किसको मत दिया कर मन को बोले मुझे दो और मेरे चिंता में ये मन को तुम डुबा दो और किसकी चिंता में मन को मत देना मत देना इसलिए कि जो भगवान के चरण में जो शरणागत है इसलिए हाँ, भगवान की जो मंगलमय वाणी भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है क्या उपदेश दिया है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम सतत युक्त होकर के भजताम प्रीतिपूर्वकम मेरे को प्रेम से मेरे को भजन करो प्रेम से मेरे को भजन करो कृष्ण की यही उपदेश है क्या उपदेश है भगवान का हाँ, कहते क्या श्लोक है भगवान भगवान राम भी समुद्र को सप्त समुद्र को साखी करके भगवान राम कहते हैं भगवान राम कहते हैं बोले जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने के लिए गया बोले देख रावण हम लोग कुलस्थ ऋषि के वंशज हैं इतने उच्च कुल में जन्म हुआ हमारी ये कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना ये हमारा धर्म नहीं और जो सीता है ये जगत अम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी तुमने सीता को उठा करके ले आया नहीं ये गलती चीज है जाओ वापस दे करके भगवान को वापस दे करके आओ राम नहीं ये भगवान रावण बोले भगवान छोकरे का जंगल जंगल में भटकता है स्त्री को पीछे हर राज्य छोड़कर भटक रहा है भगवान हो गई और सीता हो गई देवी है इसलिए उसका बात को उसने सुना नहीं लात मार दिया राम विभीषण को और विभीषण तो सीढ़ी से लुढ़कते लुढ़कते गिरते गिरते नीचे गिरा हैं फिर उन्होंने प्रभु राम की शरण में आए जब राम की शरण में आए इतने में रामचंद्र ने सबसे पूछा बताओ उसको क्या करनी चाहिए क्योंकि कल सवेरे रावण के साथ में युद्ध होने वाले और इसका ये छोटा भाई है ये शत्रु का छोटा भाई अभी हमारे शरण में आया है अभी क्या करना चाहिए सुग्रीव को बता बता क्या करने चाहिए बोले प्रभु एकदम शरण नहीं कर ये राक्षस लोग है पता नहीं इसका छोटा भाई और कोई व्यक्ति होता तो कोई बाप है छोटा भाई हाँ पता नहीं कौन सा दुष्ट बुद्धि से आया हाँ दुष्ट बुद्धि लेकर के आया एकदम शरणागत नहीं करना जांबवान को बताया बोले उसको क्या करनी चाहिए बोले एकदम शरण में नहीं देना लक्ष्मण को बोले क्या बोले एकदम नहीं शरण देना कोई भी उनको शरण देने के लिए मना कर रहे थे एकदम शरण में नहीं देना लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी को पूछा है ना बोले हनुमान जी क्या करनी चाहिए तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसको शरण दो मैंने जब सीता माता को ढूंढने के लिए गया था इन्होंने ही बताया माता सीता अशोक वाटिका इन्होंने ही बताया अशोक वाटिका इसलिए हमने स्वयं देखा उसको घर के सामने आपका नाम श्री राम नाम लिखा हुआ शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह देखा है तुलसी की बगीचा देखा है बाग देखा है इससे पता चला ये भक्त है इसलिए आप उसको शरण दो लेकिन कोई भी राजी नहीं तो भगवान स्वयं कहते हैं हाँ? बोले सकृत एव प्रपर्णा जस्तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम भगवान कहते ये मेरी व्रत है बोले क्या व्रत है बोले सप्त समुद्र को साखी करके कह रहा हूँ हाँ ये सात समुद्र को मैं साखी करके कह रहा हूँ क्या साखी भगवान कह रहे हैं कहते सकृत एव प्रपर्णा अगर कोई सच दिल से आए बोले ठाकुर मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो हैं मैं तेरा और तू मेरे हो अगर एक बार कोई सच दिल से बोल देना हैं भगवान कहते अभयम सर्वदा तस्मयी मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ तदाम एतद व्रतम मम कहती है मेरी व्रत है क्या व्रत है हम लोग कहते हैं व्रत रखते हैं ना हमने आज उपवास रखा व्रत रखा है नहीं तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं
इसलिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं शरणागत भक्तों को हर समय भगवान रक्षा करते हैं। शरणागत भक्तों को इतने महिमा, शरणागत भक्त कितने महिमा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो मेरी जो मंगलमय वाणी में जो उपदेश दिया है अगर उसमें जब श्रद्धा होता है ना, कहते आमादर कर्ता अभिमान चिरतरे विद्रुता है। हम जो अपने आप को कर्ता मान कर बैठे हुए, मतलब मालिक मान कर बैठे हुए, अरे हम मालिक है, हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, सब करने वाले तो हम ही है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है ना, तो जो भक्त है सकल जो प्रतिष्ठा को, सकल प्रतिष्ठा को प्रतिनिभा करे। इसका मतलब है जो भक्त होते हैं अगर कुछ काम अगर हो गया तो वो कभी नहीं करते, अरे मैंने किया है ना, मैं नहीं करता थोड़ी हो जाता, बोलने जो कुछ गुरु जी की कृपा से, वैष्णव का कृपा से हुआ है, प्रभुपाद की कृपा से हुआ है, गुरु वर्गों की कृपा से हुआ है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा से हुई है, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। उसके इच्छा के बगैर तो पता भी नहीं रहता है, जो कुछ हुआ गुरु वर्गों की कृपा से हुई है, ये कसी भक्तों का ये भावना। इसलिए कहते हैं कर्ता अभिमान चरित्र विद्रुत है, उसका जो कर्तापन है मालिक है कहते वो नष्ट हो जाता है। तखन हमारा कर्मवीर शास्त्र धावित है वो ना, उस समय कर्मवीर, कर्मवीर मतलब कोई कर्म करे कहते ना अरे हमने ये सब किया है, हमारा जगत कुछ हो ही नहीं, हम कर्मवीर, हमने जगत कर ये कर दिया, सो कर दिया, सो कर दिया, कहते भैया हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ ठाकुर की इच्छा से हुई है। इसलिए अजावना तार वाणी श्रवण जन तार करने शरणागत भई, कद भक्तों का भावना क्या है, कद भगवान के चरण में शरणागत होकर के भगवान ने जो कुछ बताया है भगवान की वाणी में भक्त शरणागत हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे हमारा जीवन मंगल होगा। इसलिए भक्तमय ठाकुर कीर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, हैं? बोले हे प्रभु सर्वसो तो मार चरणी सपिया पड़े छी तो मार घरी। हाँ भक्तमय ठाकुर कहते प्रभु हम सब कुछ तेरे चरण में समर्पण करके तेरे घर में हम पड़ा हुआ हैं, तुम्हें दया मय, तुम तो दया के सागर हो, दया की कृपा हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे चरण हम सब कुछ छोड़ कर पड़ेंगे। और कहते अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण दो ताहाते खना विश्राम लभिया छाड़ी नो भवे रभय आत्मनिवेदन तू आप दे करी आइनो परम सुख। भक्तमय ठाकुर कहते हैं प्रभु आत्मनिवेदन तुआ पद करे हाइनो परम सुख, जब तुम्हारे चरण में हमें संपूर्ण शरणागत हो गए हमारे जीवन आनंद है, हाइनो परम सुखी, हमारा कोई दुख नहीं है, दुख और दूर गए लो, चिंता ना रह लो, अभी हमारे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तब तक हमारी चिंता था जब तक तुम्हारे चरण में हमने शरणागत नहीं हो गए, जब तुम्हारे चरण में हम शरणागत हो गए, क्योंकि तुम्हारे चरण में तीन चीज है, एक अशोक जहाँ पर शोक नहीं, एक अभय जहाँ पर भय नहीं, एक अमृत जहाँ पर अमृत है, तुम्हारे चरण में ये तीन चीज है। इसलिए भक्तिमन ठाकुर दूसरे कीर्तन में कहते हैं चरण कमले अमिया उछले ताहते नो पुर धाम सदा आशा करी भृंग रूप धरी चरण कमल स्थान। भगवान की चरण में क्या बोले तुम्हारे चरण अमिया उछले, अमिया मतलब होता है अमृत, तुम्हारे जो चरण में अमृत छलकती है, छलकती है ना अमृत, तुम्हारे चरण में हर समय अमृत निकलती रहती है। कहते भृंग रूप धरी सदा आशा करी, इसलिए कहते मैं क्या बन गया हूँ भृंग, भृंग मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी बन कर, मधुमक्खी क्या करता है जैसे फूलों के ऊपर बैठ कर मधु को आहरण करता है, बोले प्रभु मैं भी मधुमक्खी बन करके तुम्हारे चरण में जो अमृत है वो अमृत को मैं हर समय में पान करूं। इसलिए
तुम्हारी चरण में तीन चीज अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण दए ताहते एखन विश्राम लभिया। जब तुम्हारे चरण में अशोक अभय अमृत है, जब तुम्हारे चरण में जब आश्रय ले लिया छाल में भवर भाई, अभी तो हमारा कोई धर्म है नहीं, आनंद से मस्त रहो भगवान की भजन करो। देखो जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी शरणागत है, माधवेंद्रपुरी सारा दिन क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय भगवान के नाम जप करते हैं, ठाकुर जी के चरण शरणागत है। अभी एक दिन उनको कोई भजन नहीं मिला है, आज कोई भजन नहीं मिला, नहीं मिला तो बैठ करके प्रभु पर हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम ठाकुर का चिंता लग गया है, मेरा भक्त भूखा है, अगर किसकी बच्चा भूखा है ना माँ नहीं जैसे खाती है, इसलिए जब तक भक्त भूखा हो ठाकुर कभी भजन नहीं कर सकते, जब तक अपना भक्त को ठाकुर जी नहीं खिलाते हैं, इसलिए बोले ना अनन्य चिंतन तमाम योजना पर जो पास सके तेसा मिलता भी युक्ता नाम जोगाख्या भाव अहम, भगवान की प्रतिज्ञा है जो अनन्य रूप में मेरा भजन करता है, अगर कोई चीज नहीं हो तो मैं सर पर लेकर घर में पहुंचाता हूँ, जो चीज हो मैं स्वयं रहने वाली करता हूँ, इतना बड़ा प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान तो हमारे लिए करने के लिए तैयारी, ठाकुर जी बैठे हैं वो तैयारी बैठे हैं, लेकिन कमी हमारी अंदर में, हम ठाकुर जी चरण में शरणागत होना नहीं चाहते, इसलिए प्रभुपाद कहते कमी हमारी अंदर में, ठाकुर के पास में किसी चीज की कमी नहीं, ठाकुर तो चाहते हैं ये मेरे शरण में आ जाए, लेकिन हम ठाकुर के शरण में जाना नहीं चाहते, हम चाहते बेटा बेटी भाई बंधु दुनियादारी के शरण में जाए, लेकिन ठाकुर जी के शरण में नहीं, ठाकुर तो बैठे हुए, ठाकुर जी तो बैठे हुए हमारी शरणागति की रक्षा करने के लिए। इसलिए अभी प्रश्न है, भगवान ने पूछा है ना, बोले तब तो अर्जुन मिश्र सोच रहा है, भगवान कह रहे हैं जो अनन्य रूप में मेरा भजन करता है मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। उन्होंने पूछे भैया सर पर पहुंचाने का क्या जरूरत, उनकी इच्छा करने पर पहुंच जाएगा, जैसे सुदामा कि दो मिनट तुमने चिड़वा खाए, दो मिनट चिड़वा खाए इच्छा किया तो उसको तो राजमहल, इच्छा करते ही सोने की महल है, उसका रानी राजरानी बन गई, वो इच्छा करते ही तो हो गया, फिर तुम क्यों कह रहे हो सर पर ढोकर के क्यों पहुंचाओगे, इसलिए सर पर ढोकर के पहुंचाओगे, तुम तो इच्छा करने पर बत्तो घर में पहुंच जाएगा, तुम्हें सर पर धो करके देने का क्या जरूरत है। तो वहां पर उदाहरण दिया जैसे एक माँ है, एक माँ को पता है मेरा बच्चा कितना भोजन करने से उसका पेट भर जाता है, इसको किसको पता है, माँ को पता, जैसे घर में कोई नौकरा है, जैसे बच्चा सो गया, मैया ने बोल दिया अपना नौकरा जिस बच्चे को तुम खिला देना, उठा करके खिला देना, बच्चा सो गया, लेकिन देखना मैया को पता है बच्चा जब सो जाता है ना उठा करके खिलाना इतना आसानी बात नहीं, अगर बच्चा सो जाए उसको उठा करके खिलाना इतना आसानी बात नहीं, मैया पता नहीं क्या हिला हिला करके जोर जोर चम्मच में डाल डाल करके उसको मुंह में और उसको मार मार कर खिलाती है, इसलिए माँ को पता है इतना खाना खाने से मेरा बच्चे का पेट भर जाएगा, इतना भर, इसलिए जो माँ हुई ना भले नौकर को बोल देगा तू खिला दे, माँ के हृदय चैन नहीं पड़ेगा, पता नहीं ठीक से खिलाएगी नहीं, बेटा का पेट भरा कि नहीं, वो नौकरानी है ना, वो थोड़ी सोचेगा, माँ की जैसे थोड़ी सोच सकती है, माँ जितने सोचेगी थोड़ी वो सोच सकती है, खाया खाया नहीं तो सो गया, लेकिन माँ चिंता करती है, उसी तरह कभी जगत का माँ कौन है, बोले श्री राधा रानी, कृष्ण की जगत की माँ है, इसलिए कृष्ण कहते हैं जब तक मैं अपना भक्तों को अपना हाथों से मैं खिला नहीं देता हूँ ना मेरे को चैन नहीं पड़ता, क्यों, भक्त मेरे शरणागत है, भक्त मेरे शरणागत है, मेरे सिवाय कुछ नहीं जानता है, ये नहीं जानता है। इसलिए जिस समय श्री दुर्वासा जी भगवान को तक पहुंचे, चक्रवर्ती को पीछा कर रहा था, पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा ने रक्षा किया, शिव के पास में गए, शिव ने रक्षा किया, जब उन्होंने भगवान के तक पहुंचे तो भगवान स्वयं कहते हैं, बोले तुम कह रहे हो दया करो, लेकिन दया तो हृदय से होता है, लेकिन हृदय तो मेरे पास में, हृदय तो अम्बरीश के पास में है, इतने में
दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आप हर समय भक्तों का प्रख्या ले देते हो, आप भक्त का प्रख्या ले रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो ये अंबरीश ने गलती क्या किया, उसका गलती नहीं देख रहे हो, मेरी गलती देख रहे हो, उसने मेरे को निमंत्रण दिया, एक घर में कोई अतिथि आए साधु आए उसका निमंत्रण दो, नियम क्या होता है पहले उसको खिला करके खाओ, खिला करके खाओ, ये पहले ही खा लिया, ये पहले ही खा लिया, मेरे को दिए बगैर उसने खा लिया, तो ये दोष नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं देखो ये अंबरीश को पता है दोष हुआ कि नहीं, क्यों उसने क्या लिया, उन्होंने थोड़ा पानी लिया और तो कुछ नहीं लिया, शास्त्र ने बताया जो थोड़ा पानी लेता है ना उसको खाना नहीं खाना दोनों बराबर होता है, खाना भी और नहीं खाना भी ये दोनों बताया। और तब उन्होंने बताया अब तो हर समय भक्तों का प्रख्या लेते हो, भक्त का पक्षा लेते हो, हमारी पक्षा ले नहीं रहे, अगर भक्तों का पक्षा अगर मैं छोड़ दूंगा, हाँ भक्तों का पक्षा मैं कैसे छोड़, भक्तों का पक्षा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, बोले क्यों, बोले कारण है कि जगत में एक नियम है कि अपना स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन, आप देखना ना अपना जो नेचर को कोई छोड़ नहीं सकता है, कहते स्वभाव ना जाए मले, कहते मरने पर भी जीव का नेचर नहीं जाती है, जो नेचर स्वभाव नहीं जाता है, इसलिए कहते मेरा जो नेचर क्या है मेरा भक्त वात्सल्य, मेरे अंदर में भक्त का प्रति जो प्रेम है, भक्त का प्रति जो भावना प्रेम, भक्त वात्सल्य भगवान की, ये सर्वश्रेष्ठ गुण से भक्तों के ऊपर में भगवान की वात्सल्यता है, ये स्वभाव में छोड़ नहीं सकता, अगर मैंने अंबरीश को अगर छोड़ दिया तो फिर मेरा भक्त वात्सल्यता खत्म हो जाएगी, फिर मैं भक्त वात्सल्यता कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। और क्यों मैं भक्तों के लिए करता हूँ, कारण है भक्त मेरे वजह से अपना स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी धन दौलत मेरी वजह से सब त्याग, सब कुछ मेरे लिए सब त्याग, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दे दिए, इसलिए कृष्ण कहते ना गोपियां न पारे अहम निरबद्ध सजुजाम, अगर ब्रह्मा जी से परमाय ले लू ना तुम्हारी कभी तुम्हारी ऋणी से उड़ी हो नहीं सकता, बोले क्यों, बोले तुम लोग ने मेरे वजह से भाई बंधु पुत्र परिवार दुनियादारी मेरे वजह से तुम लोग सब त्याग दिया, जिसने मेरे लिए इतना सब त्याग दिया मैं ऐसे भक्तों ऐसे मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसे भक्तों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, स्वभाव मेरा है भक्तों का पक्ष लेना ही स्वभाव है, इसलिए भक्तों का पक्ष में हर समय भक्त का पक्ष लेता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उसका चरण में शरणागत होने पर भगवान हर समय रक्षा करते हैं। ठाकुर जी जैसे उदाहरण देते हैं आपका जो पलक है ना, ये जो आपका जो पलक है ना देखना ये क्या करती है, आंखों को रक्षा करती है, रक्षा करती है आंखों को, देखना आंखों के सामने कुछ आ जाए जब आंख बंद हो जाए कोई भी चीज आ जाए आप पलक को हर समय रक्षा करती, हर समय गिरती रहती, हर समय गिरती रहती आंखों का पलक, कहते उसी तरह भगवान के तुम्हें भी ये पलक बन करके भक्तों को हर समय रक्षा करता हूँ, कोई भक्तों मेरे भक्तों पर कोई आंच नहीं आ जाए, कोई मेरे भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ जाए, इसलिए प्रहलाद को जब आग में बैठा दिया भगवान गोद में बैठा दिया, पहाड़ का ऊपर से प्रहलाद को फेंक दिया, ठाकुर जी हाथ में उसको पकड़ लेते हैं, हाथ में उसको पकड़ लेते हैं, शेर को सामने फेंक दिया, भगवान अपना गोद में ले लिया, उसको ऊपर में भाला तलवार से मार रहे हैं, भगवान क्या किया उसको जैसे जैसे माँ होता है ना किसी बच्चे के ऊपर कोई अगर आक्रमण करे माँ क्या कहती है उसका हाथ से गोद में ले लेती है, उसी तरह भगवान ने प्रहलाद को अपना गोद हाथों में है कि तुमको आलिंगन करके भगवान उसको गोद में बैठा दिया, जितने भाला अस्त्र मारे किसको ऊपर लगा ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, इसलिए कहते जो भगवान के चरण में शरणागत होते हैं भगवान उसको अपना गोद में हर समय उसको गोद में बैठा कर रखते हैं, इसलिए बोले दरबारे में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, कहते दरबार में राधा रानी के, कहते राधा रानी का दरबार में कृष्ण के दरबार में क्या होता है दुख दर्द मिटाए जाती है, जितने दुख दर्द को मिटा देते हैं, इसलिए
इसलिए भगवान के चरण में शरणागत होने से सारे प्रभुपाद कहते सारे मंगल तुम्हारे जीवन में मंगल मंगलमय होगा। ठीक है हिताई गौर ब्रह्म दे हरी हरी ओ। उसका जो दूसरा जो दूसरा जो प्रश्न है ना शरणागति का लक्षण क्या है जो हम कल सुनेंगे शरणागति का यहाँ तो बताए शरणागति होने पर मंगल होगा ही लेकिन यहाँ पर किसने पूछा शरणागति का लक्षण क्या क्या लक्षण है कल हम इसको सुनेंगे शरणागति का क्या लक्षण। ये जो ग्रंथ है ना अद्भुत ग्रंथ है हाँ प्रभुपाद की प्रश्नोत्तरी ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिसमें इसमें हुए सारे प्रश्न और सब आंसर है ना इसके अंदर में सारे आंसर भी है सारे प्रश्न भी है सारे इसमें आंसर है। फिर कितना प्रश्न 670 670 ये प्रश्न और इसका उत्तर इसके अंदर में इसलिए ग्रंथों को पढ़ने पर है ना साधुओं का हृदय में भजन करने का जो भावना है वो दृढ़ हो जाता है इसको बंद करते हैं।